राजा लट्टू स्वागत है दोस्तों। हमारे पास एक यात्री की गाड़ी आया हुआ है। ये गाड़ी आगे पीछे नहीं हो रहा है, मीटर में लाइट वगैरह नहीं आ रहा है कुछ भी। तो हम कैसे चेक करें इसे? सबसे पहले हम क्या करें, मल्टीमीटर को 200 वोल्ट पे सेट करें, और हमारा जो येलो बॉक्स है उसमें हम पहले मेन लाइन लगा के देख लेता हूँ कि हमारा 48 वोल्ट सप्लाई सही ठीक है या नहीं। आइए मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। ये देखिए हमारा 50 वोल्ट आ रहा है, यानी कि हमारा जो मेन सप्लाई वो बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, एक फ्रॉक को ब्लैक रखेंगे और इग्निशन वायर जो होता है उसमें चेक करेंगे चाबी ऑन करके कि वहाँ से कंट्रोल में लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए वो लाइट हमारा नहीं आ रहा है, यानी कि हैंडल वगैरह से कुछ तार वगैरह कुछ छूट गया होगा। मैं देख लेता हूँ, तार तो वहाँ एक दो छूटा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर हमारा तार छूटा हुआ है, मैंने इसको जोड़ा। एग्जिस्टिंग वायर को भी जोड़ दे रहा हूँ। ये देखिए स्पार्किंग मार रहा है, यानी कि हमारा हैंडल के पास ही गड़बड़ी है। तो हम क्या करें, पहले देखिए अब हमारे गाड़ी में चला के दिखा रहा हूँ आपको। हैंडल के पास से तार छूटा हुआ था, ये देखिए चलने लगा, यानी कि लॉक का जो तार था वो तार हमारा छूट गया था गाड़ी में, और ज़्यादातर कोई दिक्कत नहीं था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।